हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीरज एडिटिंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की मदद से हम अपने कपड़े को चेंज कैसे करते हैं और उस जगह में अपने शक्ल, अपने गले को ऐड कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की ओर। उससे पहले आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आने के पश्चात फुल ऑप्शन में जाकर अपने फोटो को रिसाइज करें ताकि आपकी फोटो फटे ना। तो दोस्तों, मेरा फोटो रिसाइज हो गया, आप रिसाइज कर लीजिए। फिर चलते हैं हम स्केच के टूल के ऑप्शन में ताकि आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। फिर दोस्तों, आउटलाइन पर क्लिक करते हैं। फिर अपने बैकग्राउंड, अपने शरीर के पीछे के पार्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हाथ की हमारी तो अभी आवश्यकता नहीं इस फोटो बनाने में, तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। फिर दोस्तों, राइट पर क्लिक कर लेते हैं हम। तो हमारा फोटो का बैकग्राउंड आसानी के साथ रिमूव हो गया। फिर हम इसे सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। फिर हम गैलरी में इसे सेव कर लेते हैं। फिर दोस्तों, फिर आ जाते हैं बैक। फिर हम अपने बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया है। मैं इस बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर हम इसे रिसाइज करते हैं। ताकि आपकी फ़ोटो की एचडी बनी रहे। फिर दोस्तों, ये लिखा है नीचे पे, उसे हम लिख लेते हैं। फिर दोस्तों, ये हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया है। फिर हम इसमें गला ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं ऐड फोटो की ओर और उस स्टिकर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम इस स्टिकर को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम इसको क्लिक कर लेते हैं और हमारे एक्स्ट्रा पार्ट जो बचा है, हमारे फोटो का एक्स्ट्रा पार्ट है, उसे हम रिमूव कर देते हैं। राइट पर क्लिक कर देते हैं। फिर से फिर दोस्तों, हम राइट पर क्लिक कर देते हैं। फिर इसको बढ़ा देते हैं हम। फिर दोस्तों, हमारा फोटो अच्छे से एडजस्ट हो गया। दोस्तों, आप लोगों को हमारा YouTube वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बेल आइकन को जरूर दबाएं।